ये शिव शक्ति म्यूजिक राकेश पांडे जी के देखरेख में, ये हम गायिका नीतू राज और बक्सर बिहार के कलाकार आप ओम प्रकाश जी, ये दोनों लोग का बिरहा का मुकाबला आप लोग के बीच में जात बा। हमारे बिरहा का शीर्षक बा गोरखपुर कांड, जौन कोनो काल्पनिक कहानी ना बा बाबू, एगो सच्ची कहानी जौन पेपर से लिखल गई, जौन पेपर का नाम बा नई दुनिया। नई दुनिया पेपर से 26 जून 2011 के ही बात बा, और वह पेपर से ही कहानी मिलल, और हमके आशा न बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के कहानी जरूर जरूर पसंद आई। अच्छा भैया, ये देखी बिरहा के मुकाबला हम गायिका नीतू राज बनारस सारनाथ की धरती से और बक्सर बिहार के सुपरस्टार कलाकार आप आदरणीय हमरे ओम प्रकाश भैया जी आपके साथ में ही मुकाबला जा रहल बा। आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग के बहुत पसंद आई और बिरहाई कांड बा, और ये कांड कहाँ के बा अपने ही पूर्वांचल के धरती के गोरखपुर शहर के ही कांड बा। और देखनी है उधर से वो गौला हाँ, अब बड़ा हमरा के चपल हाँ, कहला कि देखा तारी कि आज हमरा के नीतू चापा तारी कि हम नीतू के ए भैया, हम तो ज्यादा कुछ ना कह आप लोग बड़ बड़ा, लेकिन इतना जरूर कह कि यही में अंदाज लग जाये कैसे लगी कैसे चापल जाये इनकरा के मास्टर अब तो। तो प्यार है ढाई आखर मगर शक्ति इतनी कि ईश्वर स्वरूपा करे सबकी रक्षा। तो यार मानो तो पूजा न मानो तो धंधा, अरे अंधा भी है लोग देते हैं शिक्षा। हीर की रांझा हो या हो मजनू की लैला, अरे मैला न होता कभी प्यार सच्चा। अरे प्यार पे अपने ही जो मरे प्यार से, ऐसी आराम साथी वही सबसे अच्छा। ए भैया, हम बताइला कि प्रेम कैल कोनो गुनाह नहीं खे, लेकिन प्रेम करके ओकर नजायज फायदा उठायल ई गुनाह बा। कवि जी प्रेमे के ऊपर ही विरहा लिखले हो। देखा बाबू, हम बताइला कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। है तो कोई ना पढ़लस, यही जगन एक लाइन गजल लग गई मास्टर कवन बाबा। तो बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। बसी एक करा ले बढ़िया कवि जी बिरहवा के अंदर भाव लिखलन कैसे मास्टर। तो आज की कैसी है दुनिया, आज की दुनिया कैसी है, चढ़ा कैसा जमाना है। आज की दुनिया कैसी है, चढ़ा कैसा जमाना है। आज की दुनिया कैसी है, चढ़ा कैसा जमाना है। आज की दुनिया कैसी है, चढ़ा कैसा जमाना है। तो आज की दुनिया कैसी है, चढ़ा कैसा अरे चढ़ा कैसा जमाना है। तो जिसे अपना तूने समझा वही सबसे बेगाना है, जिसे अपना तूने समझा वही सबसे बेगाना है।
ए बाबू, यही से बिरहा का कहानी शुरुआत बा। कहाँ के कहानी बा मास्टर? अब आता लाइन देखे। सुंदर सिखा बेटी जो सयानी है, अदा की सो कई स्नातक पढ़ाई करती थी, अदा की सो कई स्नातक पढ़ाई करती थी, पड़ोसी दीपू के लिए हमेशा मरती थी। बाबूजी, तनी सब बात के समझला, गोरखपुर के शहर अपने यूपी पूर्वांचल के एक ठे हस्ती बा। वही गोरखपुर के शहर से ही बात मिलल। ए बाबू, गोरखपुर शहर में सिंघड़िया गांव में रहे वाला जेकर नाम बतावल गई रामप्रसाद, रामप्रसाद के एक ठे लड़की बा जेकर नाम बा शिखा। शिखा बेहद खूबसूरत बे, जवान बे, स्नातक पढ़ाई मतलब BSc के उ छात्रा रहल। ए बाबू, इतनी बढ़िया पढ़े लिखे में वो लड़की, लेकिन एक ठे काम कह गई। काम का कैलस की हुई अपने गौवे में पड़ोसुए में के एक ठे लड़का के दिल दे बैठल। आज जब ओके दिल दे बैठल, वो लड़का का नाम का रहल, वो लड़का का नाम रहल दीपू। दीपू से अथाह प्रेम करे लगल। न दीपू सिखा के बिना रह पाव और न सिखा दीपू के बिना रह पाव। ए बाबू, दोनों साथ साथ जिए मरे का कसम खा ले। लेकिन देखा भइल का मास्टर, बात आगे गई बिरह के पहली तर्जमा मास्टर। भैया, ई तर्ज बड़ी तो हल्का मचवले बे, कौनो सुघर के दुल्हिन वही के बात बा। हमारा नियर बड़ी सुघर रहे और कहत बे, क्या कहत बे मास्टर? के करा खातिर करब भौजी या बकी के पोरब सैया औरब गईले ना। लेकिन बिरहा के अंदर भाव लगल। ए बाबूजी, भइल का मास्टर? सीखा से दीपू कहले बातिला तुमानी रानी तोहरे बिना ना। Run!
तोहरे बिना बाप रे बाप। दीपू शिखा से कहत बड़न की ए रानी, ए शिखा रानी, हम तोहरा बिना जिए का सपना भी ना सोच सकीला। अरे बाप रे बाप, तोहरे साथे जिए तोहरे साथे मरब, चला चल के हमन शादी कर लेवल जा। अरे बाप रे बाप, शादी का जब बात शिखा सुन लीन ए बाबूजी, तक कहाँ पहुँचल हुआ दोनों सो, कहाँ पहुँचला मास्टर? चला घर बार छोड़ के हमारे गो जंगल बुढ़िया माइयो सतनवा हो, जंगल बुढ़िया माए हो, वही साथ फेरा लेवल जाई साथी मानी, रानी तोहरे बिना ना, त रानी तोहरे जवानी, रानी तोहरे बिना, रानी तोहरे बिना। ए बाबूजी बतावत बा की ए रानी, तोहरे बिना ही तो जवानी माहूर हो जाई, हमारी जवानी ये शरीर ये तन ये सगरो तोहरे खातिर बा। जा करके वही कुसमही बाबू जंगल में एक बुढ़िया माई के स्थान बा, जा करके बुढ़िया माई स्थान पर इसो साथ फेरा ले लहलन। आखिरकार दीपू शिखा के मांग में सिंदूर सजा के अपन दुल्हन बना लहलन। ए बाबूजी, शाम का बेला भइल, दोनों घरे के अपने लौटत आड़न, दीपू अपने घरे गइलन, शिखा अपने घरे गइली। आ जब शिखा मांग में सिंदूर सजा के अपने घरे पहुँचलिन, तो हई देखा माई बाप भाई। आ जब देखलन तो हालत का भइल बा मास्टर, बिरहा में तर्ज बदल गइल। बाप रे बाप, देखा ही सावन के महीना बा, और इस सावन के महीना में जब ही कैसेट का रिकॉर्डिंग करे आवे लगली जा, रास्ते में कवरियन के भीड़ देख के कवि जी तर्ज बदल दिहलन। कवन तर्ज लिखलन? रोड पे कवरियन के भीड़ लगल बा, गाड़ी चलावन तेज पिया ड्राइवर हो, कवरियन के भीड़ लगल बा, गाड़ी चलावा न तेज पिया ड्राइवर हो, राजा ड्राइवर हो, धक धक कोरे ला कोरे, राजा ड्राइवर हो, लेकिन भाव लगल भी रहा के अंदर। ए बाबूजी कैसे गावे गावे सोर मचल, सब चर्चा करे तुहार बेटी भागिन हो, भागिन हो तोहरे हाथे पगरी हमार, बेटिया भागिन हो तोहरे हाथे पगरी हमार, बेटिया भागिन हो तोहरे हाथे पगरी हमार। ए बाबू, जब सिखवा मांग में सिंदूर सजा करके दीपू के आइल बा अपना घरे, तो देखा जब माई बाबू भाई देखलन, तो मतरिया का कलश मास्टर,
बेटवा से ज्यादा हम दूल्हा घर तो घर कोई ली। तारी बाप समझावत हुन की ए बेटी भैया कहते कि ए दीदी ई का कह देलू आखिरी तोहरी मांग में कैसन सिंदूर बा बतावत बा कि ए भैया ई कौन वैसन वैसन सिंदूर नेखे ई हमार पति हमके पहिनुले हुआ उ हमार पति हम उनकर पत्नी आखिर उ के हो बतावत बे कि उ दूसर कोई ना ई हे दीपू बाणन जकरा से हम अथाह प्रेम करीला और जब हमार प्रेमी रहलन त रहलन लेकिन अब हमार पति बाणन। अरे बाप रे बाप मतारी कहत बा कि काहे खातिर हमरा गोदी में एलू हे करे के रहल त लेकिन बाबू देखें आखिरकार दोनों शादी कर लेले बाणन। तीन दिन तक मुलाकात ना भइल चौथे दिन के बात बा बिरहा में तर्ज बदल गइल। बड़ा चपत रहला हन हई गीत देखा कौनो दुलहिन कुछ सीए खातिर दर्जी के दिहलस औ का सीए के देले रहल उस सीए के दिहलस लेकिन ओकर ऐसन नाप लिहलस ऐसन नाप लिहलस उ दर्जी की ओकर छोट हो गेल त उ ओढ़ाना देत बे का कहत बे मास्टर बाबा इहे कहलस नाप जोख में कौनो भोरी खोट हो गईल ये कहत बे नाप जोख में कौनो भारी खोट हो गईल लेकिन बिरहा के अंदर भाव लिखलन कवि जी जब सिखवा दीपू से ना भेंट करत बा तीन दिन बीत गई चौथे दिन का बात बा का कहलस मास्टर मिले न सीखा दीपू से नाराज हो गई दीपू से नाराज हो गए अरे मिले न सीखा दीपू से नाराज हो गई त एक दिन घेर लस रे समनमा कौन राज हो गई ए बाबू तीन दिन के बाद जब सिखवा के देखलस तब जाए के चौथे दिन घेर लस और घेर के भर अकवारी पकड़ के कहत बे का कहत बे
काहे नाही मिलत बाड़ू गोरी कवन बात बा नाही छोड़ब कैसो भइल मुलाकात बा कैसो कैसो मुलाकात भइल आज ना छोड़ब आज हर कहे सिखा की सबके ऐतराज हो गई कहे सिखा की सबके बाबूजी आखिरकार छेड़ छाड़ क्योंकि कहत बा कि आखिर सात जन्म हमसे जिए मरे का कसम लेहलू शादी केलू सात फेरा लेहलू कि सात जन्म तक साथे रहल जाई ई तीनिये दिन में ई गति काहे के देलू तो कि हम देख ना पाओ थी आखिरकार कवन बात बा कवन राज बा काहे ऐसन करत हो तब बतावत बा कि ए दीपू घबरा मत तू हमसे शादी कैला लेकिन हमरे घर परिवार में कोई के राजी शादी ना है आखिरकार लोग ऐतराज करत हुआ हमसे तोहके मिले के मना कैल बा और सच्चाई भलाई इतने में बा कि तुमसे मिलल जुलल छोड़ दा ना कदापि ना कभी हम ऐसा ना कर सकी ला तोसे शादी के लीला अपन पत्नी बनू लेला तो तोहके अपन दुल्हन बना के रखब आखिरकार दुल्हन कैसे बनी बा ऐसे कैसे दुल्हन बना सकेला तक कैसे दुल्हन बना सकेला यही जो टेरी में कवि जी लिखलन का लिखलन मास्टर अरे त जवनिया कुल करावे बबुआ अरे जवनिया कुल करावे बबुआ त चेतना शून्य होत जब हौसी आग जरावे यार जरावे यार जरावे सिखा सोचकर प्लान बताई अरे सिखा सोचकर प्लान बताई लाश तुम्हें यक लाना है मेरा कपड़ा पहना कर बस्ती के पास सुलाना है अरे कहलस की सुना सुना अगर हमके पावल चाहत हुआ तो एक का उपाय है एक ठे कहीं से लाश जुगाड़ करा और वह लाश का चेहरा इतना बुरी तरह से एकदम कूच देवल जाए कि चेहरा पहचान में ना आए कि केकर लाश है और ओके हमार कपड़ा पहना कि यही बस्ती में सुवाए के हम तो यहाँ से फरार हो जाए जाए लोग खोजते रह जाइए कि तो मर गई अहमन तो फरार हो जाए जाए सब सोचें कि मरी सिखा अरे सब सोचें कि मरी सिखा या दूर कहीं चले जाना है दूर देश में अमन चैन से दुनिया नई बसाना है चल के दूर देश में अपन नई दुनिया बसावल जाई काहे घबरात हुआ यह करवा तो हमके पैबा ना तो पैबा ही बान ना इतना बता करके बाबू सिखाए अपने घरे चल गेल दीपू सोचते सोचते अपने घरे गयल और सोचत सोचत योजना बनाओ तो का योजना बनाओ तो मास्टर एक लाइन तो नहीं लहा के आ जा कभी जी बिरह में धुन से बढ़िया भाव लिखलन का लिखलन भाव में मास्टर अरे योजना बनावे नीर दैया न हो दोनों कैलन विचार दीपू के बा मन में उपैया न हो दोनों कैलन विचार ए बाबू अपने मन में एक ठे उपाय बतौलस और उपाय सोचत बा का ओकर गिट्टी बालू का बिजनेस रखल अक्सर सोनभद्र की धरती पर गोरखपुर से जाए और आवे सोनभद्र में एक ठे पूजा नाम के लड़की बा जेकर 5 साल का बेटा बा लेकिन ओकर पति मर चुकल बाड़न विधवा जिंदगी में अपने बेटा के लेके गुजर बसर करावत बा और वही में
यह दीपू से वो पूजा का प्रेम चलत बा। दीपू के याद आ गेलिन पूजा, दीपू के जब याद पूजा के आयल त कैलन का मास्टर, अरे पहिले के प्रेमी का बा पूजा पे नजरिया, वही दिन दीपू अइले सुन भद्र सहरिया, अरे जहाँ रहे बेटा साथे मैयानों हो, दोनों कैलन बीचार। बाबू पहुँचल बा सोनभद्र की धरती पर, पूजा के बकावत फुसलावत बा कि हमरे घरे कुछ काम जरूरी बा, और कुछ काम बढ़ गई बा, तनी चला हमारे साथे कुछ काम निपटा के कल तो के लिया के पहुँचा देब। कलश की बाबूजी हम तो तोरे साथे चल चल, एक ठे हमार बेटा बा यहू के ले चला। कलश की ना पूजा ये बचवा के अपने ही पड़ोसी के लगे छोड़ दा, तो के कल लिया के हम यहाँ पहुँचा देब, का करे बच्ची के परेशान करबो। यही जखन बाबू जी ले के चलल बा आ करके सोनभद्र की धरती से गोरखपुर के शहर में पहुँचल, और लिया करके एक ठे कमरा में पूजवा के बंद कर देलस। ए बाबू बंद करके कलश की यही जरा बे हम एक घंटा में तुम्हार कुछ खेले पीले के व्यवस्था करके आवत हई। चलल बाबू अब पहुँचल पूजा के पास कब, 12 बजे रात का। 12 बजे रात का जब पूजा के पास पहुँचल के लिवा के सिखवा के लिया के अपने जोने से शादी के लिए बस सिखवा के मांग में सिंदूर भर ले बा, सिखवा के ले करके पूजा के पास 12 बजे रात का पहुँचल। आज जब पहुँचल तो निर्दया करत का बा मास्टर, अरे तक कचौड़ी गली सुनी कैला रजऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार होक, चौड़ी गली सुन कैला राजाऊ, मिर्जापुर के कैला गुलजार होक, चौड़ी गली ए बाबू। लेकिन देखा ओके रे पास जब 12 बजे राती के पहुँचल बा कैलस का, अरे कवन कसूर भैली बबुआ, अरे कवन कसूर भैली बबुआ, अरे काहे के देखेला घूर घूर होकी, कवन कसूर भैली बबुआ, घूर घूर होकी, कवन कसूर भैली। बाबू बंद कहके मारत बण सो कहत बा, का कहत बा मास्टर, सिखायो दीपू एको सुने नहीं बतिया, कवन कसूर भैले बबुआ, रोवेली बेचारी बेकसूर हो की, कवन कसूर भैली बबुआ, कसूर पूजा रोर खलबा पकड़ करके वही दीपू का पैर, आखिरकार बाबूजी हमसे कवन गलती हो गई बाबूजी, काहे कि हमार जान के दुश्मन बनल बाड़ा, तू तो हमार प्रेमी हुआ हम तुहार प्रेमिका कहीं, ये शरीर का सारा सुख लेहला तू, एगो बेटा छोड़ के सोनभद्र में अपन आइल बानी, हमार बेटा हमार राह ताकत हुईल, आखिरकार बाबूजी एक बार हमके बता दा कि हमार कसूर का बा, काहे हमरा जान के दुश्मन बनल बड़ा, लेकिन निर्दयी पापी नीच गद्दार कमीना एक नहीं सुन रहा है बाबू, दोनों दीपू और सिखा दोनों मिलकर के आखिरकार पूजा के प्राण हत ले हलन, नटई दबा के मार नौलसो, अब मुंह इतना बुरी तरह से चेहरा कुचल दहला कि चेहरा पहचान में ना आवे, आ सिखवा अपन कपड़ा उतार करके
वही पुजवा के तन पर चढ़ा दिहलस और चढ़ा के वही बस्ती में लाश फेंक करके दोनों वहां से फरार हो गए। आखिरकार बाबू सुबह हुआ और सुबह हुआ तो सनसनी खबर फैल गई। आज जब फैलल तब बाबू पहपट में कवि जी लिखत हुआ का लिखलन, ये रोवे माई पीट पीट के छतिया बतिया ताजा बा, ते रोवे माई पीट पीट के छतिया बतिया ताजा बा, तब बिटिया के मरले बा दीपू घतिया बतिया ताजा बा। हमरे बहका के तब सीखा के हमरे बहका करके कामी नीच कसाई हो, बीच भवर में नैया हमरी दिहलस याज डुबंगई हो, रहल साथे सुगरी ओवकर संघतिया बतिया ताजा, तब पोस्टमार्टम के खातिर गईली और लसिया बतिया ताजा। बाबू सबेर भैल तब मतरिया जाके दब देखत बा शोर मचगल की एक ठे लाश बा, लाश के कर बा सिखवा के बा। पहुँच के मतरिया देखलस करे बाप रे बाप, छाती पीट के रोवे लगल, बाबूजी ये केहू दूसर ना हमरी बेटी का हत्यारा एक्के बा जौने के नाम बा दीपुआ, ओकर साथी बा सुग्रीवा, जा करके उन्हन के पकड़ा, इतने ना हमरी बेटी के साथे बलात्कार भी कैले बा। आखिरकार लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है कभी भाव आल्हा में डाल दहलन। अरे त चोरी हत्या पाप कबहु, अरे छुपे ना छिपवले ये भैया, अरे हत्या पाप कबहु ना छिपवले भैया, चाहे जितना जुग तिल गावे सन सार, चाहे जितना जुग तिल गावे सन सार, भैल पोस्ट लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है बाबूजी, लेकिन वहां पता चला कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। तो यही जकन तनी से सदर लगा ला मास्टर का भइल, अरे ये गदीन थानावा में आइल बाटे फोना, अरे सीखा जिंदा दीपू साथे घूमेली बजा, पढ़ली दबी से गिरफ्तार हो गई ले, अरे गई ले हवाला तो दोनों कई के गिरफ्तार। आखिरकार बाबूजी बिरहा में एकदम आखिरी मोड़ चलत बा, दोनों अपराधियों को आखिरकार पुलिस का वहाँ तक पहुँची गई ना कानून, और पहुँच के पकड़ के लिया करके कैंट क्षेत्र थाना पे वो लिया करके वहाँ थाने में बंद करके सब कड़ाई कैलन। आज जब कड़ाई कैलन तब सारी हकीकत उगिल दहलस हो, ऐसे ऐसे हमने साहब किया और इस तरह से उसे मार करके उसको सिखा का कपड़ा पहना करके इस तरह से हमने यहाँ से भागने की योजना बनाई। सारी बात जब बयान हुई जब बक दहलन तब यही जकन गिरफ्तार हुए, आज भी जेल में है छूट लेना। लेकिन आज वह लड़का का कौन दोस्त बाबू जौन 5 साल का पूजा छोड़ करके सोनभद्र में इनके साथे आई लनी एक दिन खातिर, उस बच्चे का क्या दोष है, इसलिए कवि जी ने आखिरी में भाव दिया है क्या, गईले जेल दूनो सातिर अपराधी ते घरी, ते गईले जेल दूनो सातिर अरे अपराधी ते घरी, ते कैसे नर पर भरोसा नारी जतिया करी, ते प्रेमी प्रेमिका मिलकर किए प्रेम को कलंकित,
घटना को सुनकर क्षेत्र वासी भय सशंकित। थूके करनी पर जमाना गईली मतिया घरी, ते कैसे नर पर भरोसा नोरी जतिया करी। क्या कोई भरोसा करेगा किसी प्रेमी के ऊपर? क्या दोस्त था उस पूजा का जो 5 साल के बच्चा छोड़ के आई बा, आज वो बच्चा के हालत का भइल। पड़ोसी लोग खिलाओ थुआ समझाओ थन कि बेटा तोर माई आई, लेकिन माई तो बाबू इसी गोरखपुर के शहर की उस मिट्टी में मिट्टी मिल गया। कभी जी आखिरी में भाव दिलन का कि माई के राह जो है दूध मुहा ललनवा, पड़ोसी खिलावे झर झर बरसेला नयनवा। तो कोई कैसी चल फुलवारी आज गईल बा उजरी, तो कोई कैसी चल फुलवारी आज गईल बा उजरी, तो कैसे नर पर भरोसा नारी जतिया करी। क्या कोई भरोसा करेगा इस जमाने पर? केकरे पे भरोसा कर लिया केकरे पर ना ही। ई कोनो काल्पनिक कहानी ना बा ए बाबू, ई पेपर का नाम बा नई दुनिया और 26 जून 2011 को नई दुनिया पेपर द्वारा यह कहानी प्रकाशित की गई। और इतना ही नहीं, दिन रविवार। ई कोनो काल्पनिक कहानी ना बा ए बाबू, आखिरकार ये कहानी के मिले तक वो सब जेल में थे। बिरहा के कहानी खत्म भइल मास्टर। गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदनी की बानी, तिलक धारी गुरु विश्वनाथ रामो संग शेखर ज्ञानी। अरे जवनिया कुल करावे बबुआ, लेखनी सिया राम कैनी तू राज के भावे।